let's wait for another candidates also to join in. चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ द टाइम. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे बेस्ड ऑन द डेफिनेशन. केवल डेफिनेशन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हमने वो करेंगे. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरी फर्स्ट इज लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3. लॉग 9 टू द बेस 3, हमने इसको एक्स माना क्योंकि मुझे तो वैल्यू नहीं आती इसकी. Kanav, yes, I'll surely do the explain you the modulus inequalities also. Lekin dear, I need to go one by one. I hope Kanav, you are able to understand what I am teaching today. क्योंकि मुझे एक-एक करके चलना पड़ेगा, तो modulus will come a bit later. Let me explain these things priorly. Then I'll be able to come on to those things. Kanav, are you able to understand जो मैं अभी समझा रहा हूँ, या आपको पहले ही आती है ये बात सारी की सारी? Logarithm में कोई परेशानी नहीं है. Kindly be patient, I'll say you. आराम से समझते चलो, सब चीज समझ में आएगी बहुत बढ़िया से. No sir, मतलब मैं समझा नहीं कनव यार. कनव, just a minute. कनव, you say something. Let me listen to you priorly. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. एक बार आप बोलो कनव क्या कहना चाह रहे हो. बोलो बोलो कनव, be fast. I want to listen. Kanav, you want to say something? Kanav, kindly go ahead. Boliye, boliye, be fast. I think there is some connection issue. Anyways. Chalo. So we were discussing these inequalities. These equalities, yeah, ye jo values hain basic definition ke base pe. तो log 9 to the base 3 equal to x, इस logarithmic form को हमने exponential form में लिखा, यानी number कौन है n, base कौन है 3, की power क्या लिखूं x, तो यानी 3 की power 2 is equals to 3 की power x लिख दिया, तो as a result x की value क्या आ गई, 2 आ गई, simple, ठीक, एक बात, अगली बात, log of 27 to the base 3, अब log of 27 to the base 3 is again let us say x. नंबर कौन है 27, तो 3 की पावर क्या लिखा x, यानी x की क्या वैल्यू आ गई 3. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. ठीक, चलते हैं आगे. log 4 टू द बेस हाफ, log ऑफ 4 टू द बेस हाफ, इसको भी आप x मानो, यानी आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, बिकॉज सक्षम इज रिटन देयर इज अ स्क्रीन हैंग प्रॉब्लम. Is everybody comfortable? Saksham, there is a some internet issue on your side, so kindly re-log in. So, iska matlab hai 4 is equal to 1 upon 2 ki power x. Isko kya likhe ab hum? Yahan par thodi si bachche galti karte hain, ise likh do aap. 4 kya bana 2 ki power 2, aur ye bana 2 ki power minus 1 ki power x, which can be written as 2 ki power minus x. As a result, x ki value kya aa gayi? Minus 2. I hope ये exponents वाली बात समझ में आती है, law of indices. Am I right? यहाँ तक clear है? ठीक है. या इस बात को आपने ऐसा नहीं लिखना था, आप ऐसा भी लिख सकते थे, 4 को कर दो वही काम. तो 1 upon 2 की पार x equal to 4 लिखा है, यानी इसको लिख दो 1 upon 2 की पार x is equal to क्या जाएगा, 1 upon 2 की पावर माइनस 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2. फिर दोबारा एक ही बार, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर माइनस 2 आएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा, 4 बन जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अगली बात, अब ये लिखा है log of root 2, या फोर्थ क्वेश्चन log 16 टू द बेस हाफ. log 16 टू द बेस हाफ को क्या लिखेंगे बाब? जस्ट अ मिनट.
log of 16 to the base half को भी लिखा आपने x, तो 16 बन गया half की power x. अब 16 half की power x आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 की power 4 is equals to 2 की power minus x, यानी x की value क्या आ गई, minus 4 आ गई. तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बेसिक डेफिनेशन के बेस पे आप सब लोग कर लोगे सारे क्वेश्चंस. तो आप सबका होमवर्क है ये अप टिल क्वेश्चन नंबर 8 आपने सभी ने कंप्लीट करना है. मैं क्वेश्चन नंबर 9th में आप सबसे शेयर कर ले रहा हूं, मैं करा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 9th में देखो जरा, लॉग ऑफ ये बेस में 4 बेस में 3 और लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, ठीक है, 4, 3 और 2 इस तरीके से लिखा हुआ ये. तो ठीक है, लॉग के बेस में 4, लॉग के बेस में 3, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू 0, दिस इज रिटर्न. तो कोई बात नहीं, अब क्या करें हम इसमें, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो अनुकृति, यू हैव सम कनेक्शन इशू, काइंडली री लॉग इन अगेन बिकॉज आई डोंट थिंक सो देयर इज एन कनेक्टिविटी इशू फ्रॉम माय साइड. ठीक, अब ध्यान से आराम से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने जान के डाला यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए. x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, हमें इतना पता है यार कि log of n to the base a equal to x ही हमें सॉल्व करना आता है, जिसका मतलब n equal to a की पार x होता है. Am I right? हमें तो केवल इतनी बात आती है, तो इसी बात का यूज करेंगे हम. क्या यूज करेंगे, लेसन ध्यान से देखो, इस बाहर वाले लॉगरिदम के लिए, किसके लिए, बाहर वाले लॉगरिदम के लिए, इसके लिए ये तो हुआ बेस, ये पूरा नंबर हो गया, ये पूरा नंबर हो गया. आई एम रिपीटिंग दिस, कंप्लीट इज अ नंबर. तो नंबर कौन है, लॉग के बेस में 3 किसका नंबर कौन है उसका, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, दिस नंबर इज 4 की पावर 0 यानी 1. ध्यान से सुनिए इस बात को, दिस नंबर इज 4 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, एंड इस लॉग के लिए ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, तो एज अ रिजल्ट नंबर कौन है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू बेस कौन है 3 की पावर, ये एक्स है यानी 1. यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड एज अ रिजल्ट अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये एक्स है, एक्स इज 2 की पावर 3 यानी 8, दैट्स योर आंसर नाउ. क्या ये बात, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया. आई एम रिपीटिंग that for this entire question, ये जो अंदर bracket में डाला है, this is the number, 4 is the base, तो number is equals to base की power 0, using the definition of logarithm and exponents, तो ये बना, इसमें number ये होगा, base 3 होगा, फिर आगे वही चीज repeat telecast करते चले गए. Are you all able to understand? Yes or no? Are you all able to understand? Yes or no? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार. चलते हैं आगे. आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फाइंड x. अब log of अंदर में रूट टू प्लस रूट एट, बेस में 18 और बेस में x माइनस हाफ के इक्वल दिया हुआ है. तो ठीक है, पहले बेस में x आ रहा है, फिर बेस में 18 आ रहा है. तो चलते हैं आगे, देखें ध्यान से, लॉग के बेस में x, लॉग के बेस में 18 ऑफ रूट टू प्लस रूट 8 इज इक्वल टू माइनस हाफ. सो दिस इज द क्वेश्चन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, इज इक्वल टू माइनस हाफ दे रखी वाली. हमें क्या निकालना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू. x का सिंपल तरीका, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो अंडर रूट 8 होता है, अंडर रूट 8 इज नथिंग बट 2√2, एम आई राइट, ये 2√2 होता है, ये रूट 2 होता है, तो 2√2 प्लस रूट 2 विल बी 3√2. तो लॉग के बेस में x आया, लॉग के बेस में 18 आया ऑफ 3√2 इज इक्वल टू माइनस हाफ. एम आई राइट, यहां तक बात समझ में आती है, इसमें तो कोई भी टेंशन नहीं है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है. अब ध्यान से आराम से सुनना मेरे प्यार से, कि ये जो लिखा है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, दिस इज द नंबर for this log, this is the number for this log. So number yani log of 3√2 to the base 18, number is base kon hai yahan par, x ki power minus half. Kya ye baat samajh mein aati hai, please isme confusion nahi honi chahiye.
क्या ये बात समझ में आती है सभी को? नंबर, नंबर कौन है? ये नंबर है, दिस इज द नंबर। बेस कौन है? एक्स। एक्स कौन है? माइनस आर। इफ आई कंपेयर इट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स, तो मूविंग ऑन फर्दर एक्सटेंडिंग इट, तो क्या बनेगी बात यहां से? यहां से बात निकल के आई, ध्यान से देखो। अब क्या लिखे हम इसमें? अब ये अपने आप में लॉगरिथम है, तो मैंने क्या करा, पुट कर दिया, से वी पुट लॉग ऑफ 3√2 टू द बेस 18 इज इक्वल टू टी। मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अभी धीरे धीरे हम इनकी क्या करते चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो हमें ये इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बहुत छोटा लगेगा, इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आराम से पहले समझना पड़ेगा, राइट? सो 3√2 इज इक्वल टू 18 की पावर टी। अब ध्यान से देखो, ये 3√2 लिखा है और ये भी तो 3√2 का स्क्वायर होता है, होल की पावर टी बन गया। 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 18 आता है, तो यानी इट विल बी रिटन एज 3√2 की पावर 2t। एज अ रिजल्ट 2t की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, यानी t की वैल्यू हाफ आ गई। ये मेरी बात समझ में आती है? t की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। ये t के इक्वल था, मतलब इसको मैंने t माना है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को बातें? आई एम श्योर यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को। बोलो बोलो बोलो, यस और नो? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो टी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है हाफ, तो बस अब बन गई बात हमारे पास। अब एक्स की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। एक्स की पावर, सक्षम मैं दोबारा बता देता हूं, डोंट वरी, डू नॉट बी टेंस्ड, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को। देखो दोस्तों, ये मैंने क्या लिया, मैंने सिंपल काम, ये नंबर बन गया था, ये बेस था, ये एक्स था, ठीक। इस नंबर को इक्वल टू बेस की पावर एक्स किया, इस नंबर को भी मैंने ये लॉग की टर्म्स, उसको टी माना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा और वहां से टी की वैल्यू आई। आने के बाद टी की वैल्यू इसी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, मैं एक्स पार माइनस हाफ इक्वल टू टी। अब एक्स पार माइनस हाफ इक्वल टू टी का मतलब तुम समझते हो, ये 1/x^2 इज इक्वल टू 1/2 लिख दो, यानी 2 इक्वल टू एक्स की पावर हाफ लिख दो, यानी एक्स स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। दैट्स योर आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आती? पक्का? सो विद दिस आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वहां पर आप सबके लिए वो होमवर्क है, तो काइंडली डू दोज क्वेश्चंस, द रिमेनिंग वन। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ये कुछ इलस्ट्रेशंस भी डाल दिए और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए काम डाल दिए। दिस ऑल्सो कैन बी डन, दिस इज टोटली योर होमवर्क, तो काइंडली डू दीज क्वेश्चंस। आते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। किसके ऊपर आते हैं? फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात लिखी है, लॉग ऑफ 1 to any base is 0। लॉग ऑफ 1 to any base is 0, ऑब्वियसली बेस के ऊपर कंडीशन है, जहां पर a लिखूंगा मैं, a greater than 0 है और a not equal to 1 है। अगर ये होल्ड ट्रू नहीं करेगा तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा, तो सबसे पहला काम लॉग डिफाइन होगा, तभी तो बातें करेंगे अपन, ठीक। अब इसकी वैल्यू 0 क्या है, इसका प्रूफ क्या है, देखें ध्यान से। इसका सिंपल सा प्रूफ है, लॉग ऑफ 1 to the base a को माना मैंने x, लेट इट बी इक्वल टू x, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1 equal to a power x, तो कंफर्म है x की पावर 0, x तो 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि एनी रियल नंबर की पावर 0 करेंगे तो 1 आता है, ठीक है क्या? तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, एक बात। दूसरी बात, log of number to the base number, log of number to the base number is always 1. log number to the base number 1 होता है, क्योंकि let us say इसको x माना, तो नंबर की वैल्यू नंबर की पावर x के इक्वल आ गई, तो ऑब्वियसली यहां से आंसर आ गया x की वैल्यू 1 होगी। सो दैट्स द प्रूफ ऑफ इट। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, log of 3 to the base 3, ये वैल्यू 1 होगी, log 2 to the base 2, ये वैल्यू 1 होगी, सही है? चलते हैं आगे,
तीसरी बात log of number to the base 1 upon number. Log of number to the base 1 upon number, its answer will always be minus 1. ठीक, why so? Let it be log of n to the base 1 upon n equal to x माना, तो n की वैल्यू आ गई 1 upon n whole की पावर x, यानी n की वैल्यू आ गई n की पावर minus x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाती है minus 1. That's the answer to this question. You getting my point? Example के तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि example है log of 10 to the base 1 upon 10, नंबर और रेसिप्रोकल है वो माइनस वन होगा, या फिर हम इसको लॉग ऑफ यहां पर 10 लिख दें और बेस नंबर में 1 अपॉन 10 लिख दें तब भी वैल्यू माइनस वन ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, दे नीड टू बी मेमोराइज्ड. ऑब्वियसली बहुत आसान है, समझ आ गई होंगी. चलते हैं आगे इन्हीं चीजों को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान से देखो कुछ क्वेश्चन लिखे गए. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद आ गया. इतना ट्रिग्नोमेट्री आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. आई एम रिपीटिंग, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो एज अ रिजल्ट ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस में लिखा कॉट ऑफ 22 1 बाय 2 डिग्री और लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस, तो आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा. अभी अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नंबर 1 के से हमने पढ़ा log of 1 to any base, it is always equal to 1. Clear है? It is equal to 0, sorry. तो चलते हैं अब आगे. अब ये this was the A part from the first part. Let's talk about the B part question. अब B part में क्या लिखा, log of 1.43 bar और 43 upon 30. ठीक है ना, 1.43 bar log of base में 1.4 3 के ऊपर बार और ये 43 डिवाइडेड बाय 30. सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है. अब आई एम श्योर इस बार का मतलब आप सब लोग समझते होंगे अच्छे से. इस बार को सॉल्व करना आता है सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस से मैंने इसको x मान लिया, से x इज इक्वल टू 1.43 बार, तो मुझे बार हटाना है. बार का मतलब होता है 4, 3. अब 3 के ऊपर बार है तो 3, 3, 3, 3, 3, 3 रिपीट होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 10x इज इक्वल टू 14.3 बार आ जाएगा. अब बार हटाने के लिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100x इज इक्वल टू 143.3 बार. करेक्ट, तो अब इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो. आप 100x में से 10x माइनस करोगे तो 90x आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये तो 14 plus 0.3 बार लिखा हुआ है, और ये जो पोर्शन है 143 plus 0.3 बार लिखा हुआ है. अब इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.3 बार से 0.3 बार कट जाएगा, यानी 143 में से आपने केवल 14 माइनस कर देना है. तो ठीक है, सो दिस विल बी 129 divided by 90, यानी x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 129 divided by 90. You getting my point? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, this will be 30, this will be 43. अब ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यू आई है 43 upon 30 आ गई, यानी इसको हम लिख सकते हैं log of 43 divided by 30 to the base 43 divided by 30, log number to the base number है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. That's the answer to this question. I hope मेरी बात समझ में आ जाती है आप सभी को. बोलिए भाई बोलिए, क्लियर है सभी को? Is it surely clear? चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार. तो बचे कुछ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ये आप होमवर्क में करें, नहीं होगा तो आप पूछे मेरे से, इंडिविजुअली पूछ लें, या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा तो वो तब आप पूछ सकते हैं. ठीक है ना, चलते हैं आगे. तो उम्मीद कर रहा हूं कि बेसिक डेफिनेशन फंडामेंटल समझ में आ गए. अब चलते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर. अब प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आराम से समझिएगा, बहुत ज्यादा काम नहीं कराऊंगा आज, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज और करा दूं बस थोड़ी सी, फिर उम्मीद करता हूं आपको चीजें मेरी समझ में आ जाएंगी और धीरे 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 करके आपको ये चैप्टर में कंफर्ट लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा. बट ऑब्वियसली द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द मोर अटेंटिव यू आर इन दिस चैप्टर द मोर यू विल अंडरस्टैंड, राइट? तो चलते हैं
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिखा है इफ m एंड n आर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है जहां पर a पॉजिटिव है, a वन नहीं है, x रियल नंबर है. ठीक, तो हमने लिखा, पहली प्रॉपर्टी लिखी है log of mn to the base a is log m to the base a plus log n to the base a. ये एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द एडिशन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स. दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में चला जा रहा है. यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि, और प्लीज इसका मतलब ये मत मानिएगा कि यहां से आप लॉग कॉमन ले लें, बेस भी कॉमन ले लें और अंदर में एम प्लस एन लिख दें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज श्योरली रॉन्ग. यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉग एज अ, ऐसा नहीं है कि जैसे सिंपल आप लिखते हो ना, कोई बच्चा सोच रहा होगा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, इसको एक्स कॉमन ले लो वाई प्लस जेड. तो एक्स का रोल लॉग का रोल नहीं होता है. लॉग है समथिंग अनदर थिंग. लॉग का मतलब इस, मैं पूछू इसकी वैल्यू क्या है, इट इज मीनिंगलेस क्वांटिटी. मैं पूछू लॉग ऑफ थ्री, अगर मैं बेस कुछ भी नहीं डिफाइन करता हूँ, इट इज मीनिंगलेस. लेकिन वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेस कुछ ना लिखा हो तो मान के चलते हैं बेस 10 होता है. तो यस, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 हैज गॉट अ वैल्यू. क्या वैल्यू है वो अभी धीरे 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 पढ़ते चलेंगे, समझ में आती चलेंगी चीजें. करेक्ट. सो मूविंग ऑन विद द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है हमारे पास. इसका क्या प्रूफ है हम समझ लेते हैं. इसका हमें प्रूफ और इसकी एप्लीकेशन दोनों चीजें समझनी जरूरी है. तो एक एक करके बात करते हैं. लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए इज रिटन टू अस एज लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए की लिखा हुआ. ठीक है ना. तो इसका प्रूफ क्या है आप ऐसे समझें. हमने माना लेट लॉग ऑफ एम टू द बेस ए को एक्स माना और लॉग ऑफ एन टू द बेस ए को लेट अस से वाई माना. तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एम की वैल्यू ए पार एक्स आ जाएगी, एन की वैल्यू विल बी ए पार वाई. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट लॉग ऑफ एम एन, यानी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं अगर हम, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, यानी लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, नाउ इट विल बी लॉग ऑफ एम एन. एम एन कौन है? ए पार एक्स इंटू ए पार वाई टू द बेस ए, यानी इट विल बी लॉग ऑफ ए पावर एक्स प्लस वाई टू द बेस ए. यहां तक बात समझ में आती है? लॉग ऑफ ए पार एक्स प्लस वाई टू द बेस ए. अब इसको आप टी मानेंगे जैसे ही, तो ध्यान से देखें ये बनेगा ए पार एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये नंबर है, इज इक्वल टू ए की पावर टी, यानी जो टी है उसकी वैल्यू क्या आ गई? एक्स प्लस वाई आ गई. यानी लेफ्ट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो गया? राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया. और यही हमारा प्रूफ है इसका. मेरी बात समझ में आती है? दिस इज द प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम नंबर, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज नंबर वन. ठीक है क्या? क्योंकि x की वैल्यू log m plus n to the base a है और y की वैल्यू log n to the base a है. और इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, log of 2 to the base 10 plus log of 5 to the base 10 can be written as log of 5 into 2 to the base 10, यानी log of 10 to the base 10, यानी वैल्यू 1 आ गई. क्योंकि log of a number to the base number 1 होता है. ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू अलग से हमें नहीं पता थी, इसकी वैल्यू अलग से नहीं पता थी. Using the properties, हमें इसकी वैल्यू पता लग गई. तो what is the role of properties while solving the logarithm? Logarithmic properties हमारे काम को आसान करती हैं. Without it, logarithm को की values के लिए एक टेबल भी होता है. शायद आपने बचपन में क्लासेस में देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि logarithmic टेबल होता है. तो वो logarithmic टेबल में ना हर नंबर के corresponding एक वैल्यू निकल के आ जाती है. जैसे log 2 की भी वैल्यू 0.3010 करके वैल्यू आती है. तो इस तरीके की वैल्यूज. अब पैराडॉक्सिकल बात यह है कि हम यहाँ पर जो ये पढ़ेंगे जो बातें लॉगरिथम के अंदर में, हम विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल हम लॉगरिथम सॉल्व करेंगे, यानी यूजिंग द प्रॉपर्टीज मैथ्स के अंदर में. और मजे की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में आप लॉगरिथम टेबल का आप इस्तेमाल करेंगे. नो डाउट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पर आप टेबल भी इस्तेमाल करेंगे. और मैथ्स के अंदर में लॉगरिथमिक टेबल का कोई खास बहुत ज्यादा यूज हम इस लेवल पे नहीं करते हैं, केवल प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर निकाल लेते हैं. सही है क्या? और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस प्रॉपर्टी जो मैंने बात लिखी है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर्स आल्सो. मोर देन टू नंबर्स आल्सो का मतलब है, मैं प्रॉपर्टी नंबर वन को ऐसा एक्सटेंशन लिखूं, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए प्लस लॉग पी टू द बेस ए प्लस लॉग क्यू टू द बेस ए कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एम एन पी क्यू टू द बेस
ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब इट होल्ड्स फॉर मोर देन टू नंबर्स ऑल्सो, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, देखने से समझ में आ रही है, वहां पर ऊपर एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम सेइंग डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम प्रूफ है वही, log m टू द बेस a और को x मानेंगे और log n टू द बेस a को y मानेंगे, वही प्रूफ है, कोई ज्यादा चेंज इसके अंदर में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एज अ रिजल्ट आप क्या कर देंगे, बस वही काम। सेकेंड के लिए अगर मैं बात करूं कि log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a के अंदर में वैल्यू पुट कर देंगे, बेस a आ गया, m की वैल्यू a की पावर x और अपॉन a पावर y, तो ये बन जाएगा a की पावर x माइनस y, एंड आई होप इससे आगे आप फर्दर आप कर लेंगे। समझ में आती है बात की? चलिए यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थ्री लिखा है log of m की पावर x टू द बेस a विल बी इक्वल टू x टाइम्स log of m टू द बेस a। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, आप आराम से समझे। यहां समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं। log of m की पावर x टू द बेस a कैन बी रिटन एज, जस्ट अ मिनट, log of m to the m की पावर x to the base a will be written as x times log of m to the base a, यानी कहा गया है ये x आगे चला जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, यानी इसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो हम ये कर रहे थे क्वेश्चन जो है ना log of 27 to the base 3, तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, इसको लिख रहे थे 3 की पावर 3 to the base 3 और फिर इक्वल टू टी करके उसको सॉल्व कर रहे थे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो डियर दोस्तों ये 3 मैं डायरेक्टली कह रहा हूं यहां चला जाएगा, यानी 3 टाइम्स log of 3 टू द बेस 3 और वाय द प्रॉपर्टी दैट log of द नंबर टू द बेस नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आंसर ये हमारे पास 3 आ जाएगा। हरी बात समझ में मेरी? या फिर log of 16 टू द बेस 2 विल बी log of 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2, तो आंसर विल बी 4 इटसेल्फ, ये आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स log of 2 टू द बेस 2 बचेगा और वो डायरेक्टली log 2 टू द बेस 2 तो 1 ही होता है, तो यहां से वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई? यहां तक समझ में आ गई बात? तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या होगा, सिंपल है इसका प्रूफ तो बिल्कुल ही। देखिए आइए, इसका प्रूफ है log of m की पावर x टू द बेस a को हमने कहा ये प्रूफ करना x टाइम्स log of m टू द बेस a। इसका प्रूफ हो जाएगा, देखिए ध्यान से, its proof will be let us consider log of m to the base a को मैंने t माना, यानी m की वैल्यू बन गई a की पावर t, m की क्या वैल्यू बन गई a की पावर t बन जाएगी। तो अब इस पोर्शन में देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में log के बेस पे a आ जाएगा, m की जगह पर a की पावर t पुट कर दिया और ऊपर x पुट कर दिया, सही है, m की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, a की पार्टी पुट कर दिया और ऊपर x as it is आ गया, करेक्ट है यहां तक। और हमने एक प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स की पढ़ी होती है, a की पावर x होल की पावर y कैन बी रिटन एज a की पावर x y, सही है। तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा कितना, log के बेस में a और a की पावर tx। यहां तक समझ में आती है बात? a की पावर क्या आ जाएगा, tx आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब इसको मान लो मैंने m मान लिया, या इसको m छोड़ो, अब m से कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, लेट अस से इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया, लेट अस से t मान लिया, तो ये नंबर बन गया, यानी a की पावर tx इज इक्वल टू a की पावर p, तो एज अ रिजल्ट p की वैल्यू क्या आ गई, tx आ गई। अब t कौन है, अब t तो ये, या xt आ गई, ऐसे लिख लें आप, इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इंटू t आ गई, जस्ट अ सेकेंड, x into t, और ध्यान से देखें, which is equals to x times t, what is t, e is log of m to the base a, this is the proof of what we have been studying, यानी property number 3 की बात करें। समझ में आ गई बातें, शायद property number 3 clear हो गया। तो बस मैं आज यहीं तक ही आपसे बातें करूंगा, इससे आगे की बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे।
उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आई है। आई है क्या भाई? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अप टिल हियर? बेस चेंज थ्योरम कल से अगली बार क्लास में शुरू करूंगा, तो आई लेट यू नो द टाइम टेबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू इन योर ग्रुप। उम्मीद करता हूं आपकी लॉगरिथम की दिक्कत काफी कम हुई होगी, एक क्लास और हो जाएगी तो आपकी दिक्कत लगभग नील हो जाएगी ये दिक्कत, ठीक। और फिर उसके बाद मॉड्यूल्स पे आएंगे और धीरे धीरे करके चलते चलेंगे चैप्टर में और विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। तो आज के लिए इनफ। किसी का कोई सवाल हो मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं। यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग प्लीज पूछ लो। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। या मैंने म्यूट रखा है लेकिन पार्टिसिपेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग यू कैन। आई वेट फॉर अ मिनट एल्स वी आर डन विद टुडे। एनीबडी वॉन्ट टू आस्क समथिंग? सर बोले बोले अनुराग बोले। Yes, come on Anurag, you can say something you want. Sir, can we write log to the log 49 to the base 7 is equal to log 4 to the base 2? Dubara bolo, log 49 to the base 1. Those 7. Achha, log 49 to the log base 7 ko. Log 4 to the base 2. Log 4. एक काम कर रहे हैं यार बच्चे, आपका ना कुछ डिस्टरबेंस का इशू आ रहा है, तो यू डू वन थिंग, आपका मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आप अलग से मेरे से सवाल करो। आई थिंक सो देयर इज एन इशू, ठीक है? आपके पास से भी सवाल है तो ठीक है दोस्तों। अगर किसी का कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है मेरे पे फोन कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड सी यू।